अनर्गल प्रलाप करते हैं, प्रचार करते हैं, अनर्गल करते हैं, उनको आना नहीं है तो ना कोई बहाना तलाशते हैं। वो कब आए हैं और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के लिए किया क्या है? मैं तो यहाँ लगातार पिछले 40 वर्षों से अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भी सरकार थी, उन्होंने ईंटा अयोध्या में नहीं रखा। ईंट की छोड़िए, उनको तो अयोध्या का नाम लेने में भी शर्म आती थी, वो कोई ऐसा ना हो कहीं दूसरा वर्ग नाराज हो जाए। और अयोध्या में इस अष्टम दीपोत्सव में, ऐतिहासिक और अलौकिक अद्वितीय दीपोत्सव में सबकी भागीदारी थी। उसमें हमने कोई पार्टी देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर कार्ड नहीं बांटा। समाज सेवी संस्थाएं जितनी थी शहर की, सबको कार्ड दिया गया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया गया। माननीय अभय सिंह जी कल हमारे इस कार्यक्रम में थे। तो ये आरोप मिथ्या है, निराधार है, अनर्गल है। और उनको आना था नहीं तो कोई ना कोई बहाना तलाश रहे थे जनता के बीच में ये कहने का कि कार्ड मिला होता तो हम आए होते। लेकिन जब कभी कार्ड और भी कार्यक्रम हुए, कभी उनकी भागीदारी तो हुई नहीं। तो ये तो ऐसा ऐसी प्रचार है जो बिल्कुल अनर्गल है। और निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, इस पर हर क्षेत्र में अमल करने का काम हुआ है। तो ये आरोप हम किसी को गलत स्वीकार नहीं करते। और प्रशासन ने भी सभी को कार्ड बांटा है, समाज के हर वर्ग को कार्ड देने का काम किया है। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है कि हम लोग उसमें थे। तो ये कहने की बात कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कार्ड नहीं मिला, ये बिल्कुल असत्य है। ये अपना जिला भी छोड़ दिए थे, अपना जिला भी छोड़ दिए थे। और ये लोग, मैं तो पिछले 40 वर्ष से देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे इनके नेता, अयोध्या का नाम ही लेने में उनको घबराहट होने लगती थी, परेशानी होने लगती थी। और आज अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, ये सब जो प्रमुख सनातन धर्म के तीर्थ स्थल थे, उनको तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित करने का काम किया है। पर्यटन आज एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया उत्तर प्रदेश का, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर, संकल्प पर। तो अब ये कहते हैं ना कि अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुप गई खेत। तो अब पछता रहे हैं कि हम भी कर सकते थे, हम भी, आपको मौका मिला हम दीपावली आज मनाएंगे। वो तो हमेशा उल्टा काम करते ही हैं, कोई सीधा थोड़ी। उनको सनातन धर्म से, हिंदू समाज के रीति रिवाज से, उनके उससे कोई, उनका कोई दूर दूर तक संपर्क ही नहीं। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ऐतिहासिक, अलौकिक, अद्वितीय और अद्भुत संगम था कल दीपोत्सव में। पूरे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या की तरफ लगी थी। अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या आज सजी संवरी, और आने वाले कल में ये अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।